तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देखा है अभी कि आपको सीएससी से ए डिस्ट्रिक्ट आईडी मिल रही है बिल्कुल फ्री में। तो कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपनी सीएससी आईडी से ए डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लेने के लिए, वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मैंने अमेजन स्टोर पर एक शॉप बनाई हुई है, वहां से जाकर के आप कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड परचेज कर सकते हैं। टेक्निकल में प्रिंटर्स और एलईडी मॉनिटर और लैपटॉप पीसी वगैरह आप जो भी चाहें वहां से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इजीली परचेज कर पाएंगे सारी चीजों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसके लिए आपको एक वेबसाइट ओपन कर लेना है जो कि भी सीएससी ने बनाई हुई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि सीएससी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रिक्ट पोर्टल प्रोवाइड कर रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के इसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सीएससी ने पोर्टल बनाया हुआ है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, यहाँ से आप कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज होती हैं वो सारी यहाँ से आप कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप राशन कार्ड वगैरह जो भी इंटीग्रेटेड सर्विसेज में आती हैं सारा कुछ आप कर पाएंगे। काफी सारी सर्विसेज होती हैं डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में, आप सभी लोग जानते होंगे। जैसा कि कुछ दिन पहले भी सहज प्रोवाइड कर रहा था डिस्ट्रिक्ट की आईडी और सीएमएस पोर्टल, काफी सारे ऐसे होते हैं, वायमटेक होता है, तो इस तरह से काफी लोग जो है जो डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है वो दिलवाते थे और इसमें से अब सीएससी भी शामिल हो गया है। बट सीएससी यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिस्ट्रिक्ट पोर्टल दे देता है। यहाँ पर ओनली 1.18 रुपीज की फीस आपकी कटती है आपके डिजिटल सेवा वैलेट से। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। सीएससी आईडी पासवर्ड डाल करके जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपकी सीएससी आईडी और वीएलई टाइप जो भी आपका यूजर टाइप है वीएलई वो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। आपकी जीमेल आईडी और लास्ट एक्टिव कब थे आप वो सारा कुछ लिख करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रोसीड का नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, इस पर प्रोसीड कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डाल देना है और मोबाइल नंबर डाल देना है, मेल आईडी डाल देना है। ठीक है, तो डाल लेते हैं अपना नाम। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टेट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है और यहाँ से आपको अपना ब्लॉक चूज कर लेना है। इसके बाद में अगर आप रूरल एरिया से हैं तो यहाँ पर ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लीजिएगा और विलेज सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर अर्बन एरिया से आप बिलोंग करते हैं, आपकी जो सीएससी आईडी है वो अर्बन है, तो यहाँ पर अर्बन सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी कि यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक ओपन होकर के नहीं आ रहे हैं। तो ये क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में सीएससी ने टेंडर लिया हुआ नहीं है ये डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी सीएससी 3.0 का जो टेंडर ओपन हुए थे तो कुछ कंपनियों ने वहां पर पार्टिसिपेट किया है और सीएससी ने कुछ डिस्ट्रिक्ट में अपना टेंडर जो है वो डीएसपी सीएससी को बनाया गया है कुछ जिलों में, और कुछ जिलों में सीएससी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है डीएसपी बनने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट में सीएससी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है ए डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इसको ओपन कर लीजिएगा। और वहां पर मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट दी हुई है कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी डीएसपी वर्क कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और लिंक आपको भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये वेबसाइट है आरएस टेक्निकल गुरु के नाम से और यहाँ पर सीएससी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, सीएससी 3.0 डीएसपी लिस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट यूपी। ठीक है, यहाँ पर यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सारे दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है आगरा में वायमटेक टेक्नोलॉजीज और श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड दो कंपनीज वर्क कर रही हैं
और अलीगढ़ में यहाँ पर सी इंफ्रास्ट्रक्चर और वैम टेक टेक्नोलॉजीज वर्क कर रही हैं। ठीक है, आपको जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट का देखना है तो उसको आप कंट्रोल एफ करके यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कन्नौज का देख लेता हूँ कौन कौन सी कंपनी वर्क कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और सीएमएस कंप्यूटर्स आ रहा है। ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर सीएससी ने डीएसपी नहीं लिया हुआ है। ठीक है, सीएससी को डीएसपी नहीं बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में, तो इसीलिए यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट ओपन होकर के नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अपना लिस्ट में चेक जरूर कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पोर्टल से 1.18 रुपीज की फीस डिडक्ट हो जाएगी और आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगी, उसको आप सेव कर सकते हैं और कुछ ही दिन में आपका डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का आईडी पासवर्ड आपकी मेल पर भेज दिया जाता है सीएससी की तरफ से। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीएससी आईडी मिल जाएगी सीएससी की तरफ से। तो यही न्यूज थी आज की वीडियो में, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। और फ्रेंड्स, अमेजन पोर्टल पर जाना ना भूलें, लिंक मैंने वेबसाइट का दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के अमेजन शॉप को मेरी ओपन कर सकते हैं और वहां से जो भी प्रोडक्ट चाहे परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छे डिस्काउंट रेट पर वहां पर प्रोडक्ट मिल रहे हैं फ्रेंड्स। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की यूजफुल वीडियोस सीएससी से रिलेटेड और जनसेवा केंद्र से रिलेटेड हर रोज आपको देता रहता हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मेरी सीएससी यूसीएल के ऊपर आने वाली है, तो उसको आप जो देखना ना भूलें।